नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन में आपको जो फॉर्मेट मिलेगा, पहले मैं जनरल फॉर्म बता देता हूं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स एंड आर डी एक्स, ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्म। जब हमें क्वेश्चन इस टाइप में मिलते हैं, मतलब ऊपर कोई लीनियर इक्वेशन है और नीचे हमारे पास क्या है, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सम वैल्यू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस सम म्यू, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इज लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड म्यू, या फिर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू सम लैम्डा डी बाय डी एक्स ऑफ पी एक्स, सॉरी, अच्छा मैंने ए एक्स प्लस बी लिया था ना, इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर प्लस म्यू, ये म्यू अलग से है, इस डेरिवेटिव के बाहर है। इतना काम करना है, फिर हमें स्प्लिट करना है, आगे क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में समझाते जाऊंगा। इतना स्प्लिट करने के बाद ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x माइनस 2, दिस इज सम लीनियर इक्वेशन, एंड 1 2x 3x स्क्वायर्ड, ये हो गया सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा सम वैल्यू लैम्डा, ये लैम्डा मुझे निकालना है अभी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 प्लस 2x एंड 3x स्क्वायर, ठीक है, और साथ में लिखना है प्लस म्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखिए डेरिवेटिव 1 इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर इज 2x इंटू 3, 6x एंड सम म्यू, ये मिल गया मुझे। आगे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा 6 इंटू लैम्डा विथ एन x एंड म्यू। अब ये किसकी वैल्यू मिली, मैं यहां पे क्या करूंगा, इस x वाले टर्म को पहले लिख लेता हूं, ठीक है, और ये जो बिना x वाले टर्म है इनको एक साथ लिख लेता हूं। इस तरफ मेरे पास 5x माइनस 2 है, इनको हम कंपेयर करते हैं। अब इसमें x लगा हुआ है, इसमें x लगा हुआ है, इसका ये मतलब है 5 और 6 लैम्डा मस्ट बी इक्वल, है ना, 5x इज इक्वल टू 6 लैम्डा, हम x और x अगर हटा दें तो 5 मस्ट बी इक्वल टू 6 लैम्डा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो माइनस 2 है और ये जो 2 लैम्डा प्लस म्यू है ये आपस में इक्वल होने चाहिए, हम लिख लेंगे एंड 2 लैम्डा
प्लस म्यू इज व्हाट माइनस टू. ठीक है, इतना समझ में आया. आगे देखिए, तो बेसिकली मुझे 6 लैम्डा इज इक्वल टू 5 और लैम्डा इज इक्वल टू 5/6. इस फर्स्ट इक्वेशन से तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई. अब सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2. लैम्डा मैंने कितना निकाला, 5/6. हम लिख लेंगे 2 इंटू -2. ये समझ में आ गया. यानी कि 2 3s are 6, तो ये हो गया 5/3 एंड म्यू इज इक्वल टू -2. 5/3 शिफ्ट कर देते हैं तो म्यू बन जाएगा -2 माइनस 5/3 माइनस माइनस प्लस. तो म्यू मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -11/3. लैम्डा म्यू मुझे मिल गया. अब आगे देखिए, ये मुझे मिल गया. आगे देखते हैं. अब देखिए, मैंने 5x-2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू ऐसे लिखा था. अच्छा, d/dx ऑफ ये डिनोमिनेटर मुझे क्या मिला था, 2 + 6x, है ना. 1 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 मिला था, 3x² को डिफरेंशिएट किया 6x मिला था. तो फाइनली मेरा रिजल्ट जो था वो ये था. ये जो 5x+2 है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. हमें देखिए ये फर्स्ट लाइन तो नहीं चाहिए, हमें ये वाली लाइन चाहिए होती है, डिफरेंशिएट होने के बाद वाली लाइन. नाउ व्हाट इज लैम्डा, 5/6, 2 + 6x हम लिख लेंगे. म्यू कितना है, -11/, तो हम प्लस माइनस माइनस -11/3 लिख लेते हैं. अब क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल बिकम्स 5x-2. इंस्टेड ऑफ 5x-2 आई विल राइट दिस, ठीक है, दिस होल अपॉन जो भी हमें दिया हुआ है. राइट, यहां तक तो समझ में आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, लैम्डा म्यू लेने के बाद मैंने बोला था क्या करना है, मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा. तो लैम्डा म्यू लेके हमने इतना प्रोसेस किया कि वो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, फिर जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है उसमें, है ना, जो सेकंड लाइन था लैम्डा d/dx ऑफ, तो d/dx क्या मिल रहा है उसके साथ मैंने लैम्डा और म्यू ऐसे कर लिया और क्वेश्चन में मैंने पुट कर दिया. इतना काम हो गया. अब देखिए, दिस इज वन पोर्शन, लैम्डा और डेरिवेटिव यहां पे है और म्यू जो है ये अलग है, तो हम इसको ऑल टुगेदर सेपरेट कर लेंगे. यानी कि ये अलग हो जाएगा ठीक है, ये अलग हो गया, और ये जो -11/3 है इसको अलग कर लेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखिए, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा. यहां पे मेरे पास दो पार्ट हैं, एक वो एक ये जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है.
नाउ दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि मान लीजिए मैं इसको आई वन एंड आई टू मानता हूँ. सपोज दिस पोर्शन इज आई वन, ये टोटल हमने आई एज्यूम किया था. दिस पोर्शन इज आई वन फर्स्ट इंटीग्रल, एंड सपोज दिस पोर्शन इज आई टू, मान लीजिए ये दूसरा इंटीग्रल है. मैं दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकता हूँ, वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट होगा रादर देन दोनों को साइड बाय साइड करूं. प्रैक्टिस के टाइम आप ऐसा कर लीजिए, एग्जाम में चाहे तो आप दोनों को साइड बाय साइड कर सकते हैं, या अलग अलग करके लास्ट में इनके रिजल्ट को ऐड कर दो, वो भी चलेगा, है ना. विच एवर वे आपको जो भी इजी लगे, है ना, वो कर सकते हैं आप. अब देखिए यहाँ पे आई वन, तो यहाँ आई वन मैं सॉल्व करता हूं, मुझे मिला है 5/6 2+6x/1+2xn3x² with a dx. Now this 5/6 this comes outside, right? यहाँ पे मुझे 2 common नहीं लेना है. Reason? क्योंकि जब मैं इसको differentiate करूँगा मुझे exactly यही मिलेगा, right? हमने ये समझा था कि मुझे ऐसी चीज को substitute करना है जिसका derivative dx के साथ मिलना चाहिए. वो condition यहाँ पे हो रही है कि मैं अगर इस portion को t put करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ let 1+2x+3x² = t, तो मुझे मालूम है 2+6x dx बन जाता है dt. That means ये जो I1 वाला पोर्शन है, it is reduced to 5/6 times dt upon t, which is nothing but log t, जो कि मुझे मिल जाएगा 5/6 log of modulus of t, है ना. प्लस सी हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हम एक सी, या फिर आप लिख लीजिए, है ना, लास्ट में आप उसको C1, C2 ऐसे कर लीजिए, लास्ट में C लिख लेना. अच्छा, what is T? This thing. तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6 log of 1, 2x, 3x² and C1. ठीक है? Now the I1 portion is solved. Now मैं अब I2 पोर्शन को सॉल्व करता हूं. मैं इस रिजल्ट को रब कर देता हूं, है ना. आप ध्यान रखेंगे कि मैंने I1 सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, है ना, log of the denominator, और साथ में 5/6 मिला था. अब मैं I2 को सॉल्व करता हूं, है ना, विच इज दिस पोर्शन. इसको मैंने I2 अज्यूम किया, तो I2 क्या हो जाएगा, देखिए 1/1/3 विच कैन गो आउटसाइड, ठीक है. तो ये हो जाएगा dx अपॉन, अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो मुझे क्या करना है. फर्स्ट थिंग, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको मैं बाहर निकालूंगा, कॉमन लूंगा. अब देखिए यहां पे मेरे को 3 कॉमन लेना है. मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं. मैं यहां से 3 कॉमन लेना चाहता हूं, लेकिन 3 कॉमन नहीं है तो मैं 2/3 लिखूंगा. दिस पोर्शन इज डन, दिस इज डन. मुझे इस 1 से 3 कॉमन लेना है. 1 के पास 3 है नहीं तो हम उसको 3 डिनोमिनेटर में दे देंगे. दिस कम्स आउटसाइड, 3 बाहर आ गया. इस 3 को मैं इधर ले आऊंगा तो 3 जा, ये तो बन गया 9. अब मुझे करना क्या, x का जो कोफिशियंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/3 को पहले तो हाफ से इंटू करना है. 2 and 2 गेट्स कैंसल, मुझे 1/3 मिलता है. मुझे इस 1/3 के स्क्वायर को क्या करना है, एड और सब्ट्रैक्ट करना है. वेयर इन दिस इक्वेशन, है ना, ये डिनोमिनेटर में. तो दिस बिकम्स 11/9. यही रूल था लास्ट क्लासेस में, हमने यही किया हुआ है. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2/3x 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 1/3 पहले से है, ठीक है. नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी 11/9, बाहर हमारे पास है 11/9 इंटीग्रल ऑफ dx over x square है, तो हम इसके x को यहां पे लिख लेंगे. x वाले कोफिशियंट में प्लस का साइन है तो हम यहां पे प्लस लिख लेंगे.
वन बाय थ्री का स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे वन अपॉन थ्री, इसका होल स्क्वायर बना लेंगे. दिस पोर्शन इज डन. नाउ दिस इज माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर एंड वन बाय थ्री, इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए वन बाय थ्री का स्क्वायर हो जाएगा वन बाय नाइन. नाउ वन बाय नाइन नेगेटिव एंड वन बाय थ्री पॉजिटिव, हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम वन बाय थ्री माइनस वन बाय नाइन लिख सकते हैं, ठीक है. नाइन वन, आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम नाइन आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, नाइन वन जा नाइन, ये टू बाय नाइन मुझे मिल रहा है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं टू बाय नाइन, विच कैन बी रिटन एज रूट टू ओवर थ्री होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला, टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 11 बाय 9 इंटू, अब देखिए टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2 ए, सॉरी 1 बाय ए, यानी कि 1 बाय रूट 2 बाय 3 टैन इनवर्स एक्स, विच इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 बाय 3 ओवर एक्स बाय ए, ए की जगह क्या है, ये आ गया प्लस. अब क्योंकि मैंने इसके साथ C1 लिखा था, इसके साथ मैं लिख लेता हूं C2, कांस्टेंट 2, ठीक है. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस बिकम्स 3 3 जा 9, तो 11 अपॉन 3 रूट 2 टैन इनवर्स. सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3 1 जा 3, ये मिल जाएगा. ये कैंसिल हो गया. ये मिल गया. इसको चाहे तो हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना. अब देखिए ये दोनों इंटीग्रल्स को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया. अब देखिए मुझे जो ये आई सॉल्व करना था वो क्या था, आई वन माइनस आई टू था. तो आई वन मैंने कितना निकाला था, आई वन मैंने निकाला था 5/6 लॉग मॉड दिस होल थिंग, ठीक है. माइनस का साइन, इसको जब मैंने सॉल्व किया मुझे क्या मिला, 11 अपॉन 3 रूट 2 टैन इनवर्स थ्री एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है. इसका C1 उसका C2 है ना, तो हमें क्या है, C1 माइनस C2 मिलेगा, जिसको कि हम हटा के सिर्फ एक सिंपल C लिख लेंगे. हम लिख लेंगे वेयर C इज C1 प्लस C2, C1 माइनस C2. जैसे इस केस में C1 माइनस C2 मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं वेयर C इज व्हाट, C1 माइनस C2. तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया. तो देखिए इसमें क्वेश्चन बस लेंदी हो रहा है, ये बहुत मुश्किल नहीं है. यहां तक समझ में आया. अब ये फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. तो मैं आपको जस्ट इसमें जो वेरिएशन आता है क्वेश्चन में वो बता देता हूं, रादर देन इसी के बहुत सारे एग्जांपल्स में करके दिखाऊं. वेरिएशन इसमें आएगा कि हमें हो सकता है क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ जाए, ठीक है ना. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं साइन को टी पुट करूं तो ये कॉस डी एक्स डी टी बन जाएगा। दैट मीन्स मुझे इस कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैंने साइन को क्यों किया, कॉस को क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं कॉस को टी पुट करता हूं तो साइन डी एक्स डी टी होता है, लेकिन देखिए यहाँ साइन ब्रैकेट के अंदर है और मैं किसी भी, मतलब अगर इसको अलग अलग भी करना चाहूँ वो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं साइन को टी पुट करूं, दैट मीन्स मुझे इस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर, है ना। ये तो 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, माइनस फोर साइन एक्स, सारा कुछ साइन में आ गया। नीचे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया, ये हो जाएगा फाइव माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स, ठीक है। Now what is 5 minus 1? This is nothing but 4. तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन। देखिए साइन को मैं टी पुट करता हूं, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो न्यूमरेटर में ये जो कॉस एक्स डी एक्स है ये बन के ये क्या बन गया, डी टी बन गया। 3 sin x माइनस टू, यानी 3 साइन को मैंने t पुट किया है तो 3t टी माइनस टू ये मिल गया मुझे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 4 है एज इट इज रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर x है, साइन को मैंने t पुट किया है तो ये प्लस t स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 sin x है 4t बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ गया टी स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं 4t, उसके बाद 4 सबसे लास्ट में, ठीक है। अब क्या किया जाए, सबसे पहले तो हम लैम्डा म्यू वाला रूल लगाएंगे, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए हम लिख लेंगे लैम्डा ये लिख लिया, यहां पे मुझे लिखना था इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t माइनस 4, ठीक है ना। टी स्क्वायर का 2t, 4t का 4 और 4 का 0, प्लस म्यू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 लैम्डा t माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, दिस इज व्हाट, 3t माइनस 2, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम तो t और t आपस में मैच करना चाहिए, नंबर और नंबर आपस में मैच करना चाहिए। इसका मतलब है कि 3t मस्ट बी इक्वल टू 2 लैम्डा t, t को हम हटा देते हैं तो 2 लैम्डा मस्ट बी 3, यानी कि लैम्डा मस्ट बी 3 बाय 2, लैम्डा मिल गया मुझे। अब माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा हमने कितना निकाला, 3 बाय 2, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, टू टू ज़ा 4,
टू थ्री इज अ सिक्स, सिक्स को वहां भेजेंगे, फोर मिल गया, ठीक है ना। तो ये मुझे वैल्यूज मिल गई लैम्डा और म्यू की, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो लैम्डा मुझे मिल गया 3/2 और म्यू मुझे मिल गया 4। अब देखिए, मैंने 3t-2 को लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ दिस थिंग है ना लिखा था, d/dx ऑफ 4t² - 4t+4 और म्यू लिखा था, और इसको जब हमने सॉल्व किया ये मुझे मिल गया था लैम्डा 2t-4+μ, ऐसे मिला था, ठीक है ना। तो मुझे ये जो सेकेंड लाइन वाली रिजल्ट होती है इससे मतलब होता है d/dx, ये फर्स्ट लाइन से नहीं। तो मैं 3t-2 इज इक्वल टू लैम्डा की जगह में 3/2 पुट कर दूंगा जो मुझे मिला है, और म्यू की जगह जो मुझे मिला है 4 वो पुट कर दूंगा। अब इसको मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ 3t-2 की जगह मैं लिख लूंगा 3/2 2t-4+4 अपॉन 4, ये मिल गया, जिसको कि मैं सेपरेट कर सकता हूं 3/2 2t-4 ओवर 1 पोर्शन, तो ये मिल गया, प्लस 4/, ठीक है ना, ये दो मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब देखिए ये जो 3/2 है ये तो कॉमन है, बाहर आ गया, जब मैं इसको टी पुट करूंगा ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर dt बनेगा, क्योंकि हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं 3t-2 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ, वो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बात है, इफ दिस इज टी देन दिस इज dt, है ना, तो ये तो लॉग हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी हम टी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो मैं इसको कुछ और वैल्यू है ना यू ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो ये मुझे लॉग मिल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन इज डन, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3/2 लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस c1 हम लिख लेंगे। तो वन पोर्शन इज डन, अब वो दूसरा पोर्शन मुझे सॉल्व करना है। तो ये पहले हिस्से का तो मुझे रिजल्ट मिल गया 3/2 लॉग, प्लस c1 हम लिख लेते हैं। जो सेकेंड पोर्शन है इसमें मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, है ना, ये अलग अलग करना होगा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पूरा प्रॉपर उसके प्रेजेंटेशन के साथ कीजिए। ये मैंने गलती से प्लस 4 लिख दिया है, सॉरी इट वॉज माइनस 4, ठीक है ना, इट वॉज माइनस 4, ये हो गया। अब देखिए इसका हाफ 2 का स्क्वायर 4, मुझे 4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपस में कैंसिल हो रहे हैं बेसिकली। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, आप चाहे तो वैसे भी करेंगे वही रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा 4 times a² - 2ab + b² इस 4 को सिर्फ आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है ना, ये t-2 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं तो आप जो टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे तो भी यही रिजल्ट मिलेगा, t-2 होल स्क्वायर एंड 0, है ना, तो 0 को तो लिखना नहीं होता, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लिया हमने 4, नाउ दिस बिकम्स t-2
नीचे है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस टू बन जाएगा नेगेटिव इंडेक्स. नाउ व्हाट इज एक्स पावर माइनस टू, एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हो जाएगा टी माइनस टू पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, और इसमें हम एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं सी टू. माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन मिल जाएगा, माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन मिल जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस फोर, माइनस वन इंटू फोर इज माइनस फोर इंटू वन अपॉन, है ना, यानी माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर. तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो इसी में मुझे क्या करना है, अब ये रिजल्ट ऐड करना है, यानी कि इसमें मैं करूंगा प्लस माइनस फोर अपॉन माइनस फोर अपॉन टी माइनस टू प्लस सी टू. ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. टी की जगह मैं वापस जो सब्स्टिट्यूशन है साइन स्क्वायर फोर इंटू टी की जगह वापस ये लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, तो मैं लिख लूंगा माइनस फोर अपॉन टी की जगह क्या लिख लूंगा, अगेन साइन एक्स. ठीक है, अच्छा, और प्लस ये C1 और C2, मैं C1 और C2 दोनों को हटा के सिंपली C लिख लूंगा, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया. ठीक है, इतना समझ में आया. ठीक है, ये अच्छा, इसमें मैं नेक्स्ट वेरिएशन बताने से पहले आपको एक चीज इसमें और बताना चाहता हूं. अब आपने देखा कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, मैं इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर टू इंटू साइन एक्स इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकता हूं जो ब्रैकेट के अंदर है. दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन x माइनस टू होल स्क्वायर. तो बेसिकली ये जो रिजल्ट है फर्स्ट पोर्शन, ये मुझे थ्री बाय टू लॉग ऑफ दिस मिल जाएगा. तो मुझे लिखना क्या चाहिए, थ्री बाय टू लॉग ऑफ मॉड ये मुझे मिल जाएगा. अब देखिए log m पावर n, हमने logarithms में पढ़ा हुआ है, log ऑफ m पावर n इज n log m. तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैं रिजल्ट लिखूं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. तो अगर सिंप्लीफाई करने की मार्जिन है तो जरूर कर दीजिए. ठीक है, तो ये टू सामने आ जाएगा, दिस बिकम्स थ्री बाय टू इंटू टू लॉग टू एंड टू गेट्स कैंसिल, फाइनल रिजल्ट इज ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखिए मैं इसमें और वेरिएशन आपको बताता हूं. ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत इजी है, आपको बन भी जाएगा. देखिए आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कमाल की बात यह है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूं भी तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, है ना। अब क्या किया जाए, देखिए नॉर्मली जब मुझे ई जो है वो डिनोमिनेटर में मिलता था तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ई से डिवाइड कर देता था, ठीक है ना। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे ई पावर माइनस टू एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसका रीजन देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ई से डिवाइड करता हूं क्या होता है, देखिए वन अपॉन ई एक्स आ जाएगा, है ना, यानी कि ई पावर माइनस एक्स हम डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको ई एक्स से डिवाइड किया तो ये टू ई एक्स बचेगा, है ना, ई पावर एक्स। इसको जब ई से डिवाइड करेंगे ये थ्री ई एक्स ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको जब ई एक्स से डिवाइड करेंगे ये ई माइनस एक्स बनेगा। फिर अटक गए क्योंकि अगर मैं ई माइनस एक्स को टी पुट करता हूं, चलो ये तो डी टी बन गया, अब इसका क्या किया जाए, ई माइनस एक्स को टी पुट किया है, ठीक है ना, ये और लंबा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं कर सकते थे, है ना, उसको भी कर सकते हैं। अब बेटर है कि मैं यहां पे जो ई की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करूं ई टू एक्स से। अब देखिए वैसा करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ई टू एक्स से डिवाइड किया तो ये वन अपॉन ई पावर टू एक्स यानी कि ई पावर माइनस टू एक्स बनेगा, ई पावर टू एक्स से जब डिवाइड करूंगा ई पावर टू एक्स नीचे भी ई पावर टू एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ई, सॉरी नॉट ई बट टू, आई एम सॉरी, इसको मैंने e पावर 2x से डिवाइड किया। अब देखिए ex एक ex जाएगा, नीचे एक ही ex बचेगा यानी 3e पावर माइनस एक्स बचेगा क्योंकि ex यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में। अच्छा इस 1 को जब हम e पावर 2x से डिवाइड करेंगे ये e पावर माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, e पावर माइनस एक्स को, e पावर टू एक्स को नहीं करेंगे लेकिन e पावर माइनस एक्स को करेंगे क्योंकि अगर मैं e पावर टू एक्स को t पुट करता हूं तो ये e पावर माइनस एक्स जो है ये फिर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट e पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t माइनस e नेगेटिव x dx बिकम्स dt, ठीक है ना, यानी कि e पावर माइनस टू एक्स को मैं e पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है भाई, टू है तो मैंने उनको अलग अलग स्प्लिट कर लिया। अब होगा क्या, ये एक e माइनस एक्स और dx मिलके तो बन जाएगा माइनस dt क्योंकि यहां माइनस है तो मैं इसको वहां शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस dt, तो एक e नेगेटिव x तो बन गया माइनस dt और ये एक e माइनस x क्या बन गया t क्योंकि मैंने e माइनस x को क्या पुट किया है t। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, 2 है, 3 e माइनस x यानी 3t है और e पावर माइनस 2x यानी e सॉरी टी पावर टू यानी कि टी स्क्वायर है। कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अब ये आ गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब मुझे करना क्या है, मुझे लिखना है टी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाय डी टी, यहां पे डी बाई डी टी लिखना है रादर देन डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, यानी कि ये बन गया लैम्डा टाइम्स
अब देखिए टी जो है 2 लैम्डा टी के बराबर होगा, यानी कि 2 लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए, इसके कोफिशियंट यानी 1 के, यानी कि लैम्डा होना चाहिए 1 अपॉन 2, दिस पोर्शन इज डन। अब 3 लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल होगा, टी के साथ कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। लैम्डा कितना मिला, 3/2 आ गया, तो म्यू मुझे मिल जाएगा -3/2। ये वैल्यूज हम यहां टी की जगह पुट कर देंगे, ठीक। अब ये मैं जल्दी जल्दी भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली इसका कन्वर्जन समझना था, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। तो बेसिकली ये जो टी है मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा यानी कि हाफ 3 + 2t प्लस म्यू, म्यू हमने कितना निकाला -3/2, ठीक है ना। ये मैंने टी की वैल्यू निकाली जो मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको जैसे अभी स्प्लिट कर रहे थे वैसे स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या करना था, इसके आगे आप लोग कर सकते हैं।